हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था कि MDF का पैनलिंग किस तरह से बनता है और वार्डरोब को किस तरह से आप बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे हम बात करेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो है वो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइड टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो साइड टेबल बनाने के लिए आप यहाँ से एक बॉक्स ले लीजिए। तो जैसे यहाँ पर ऑटोकैड में ये दिखा है, ठीक है, मेंशन यह हुआ है कि कितना साइज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बॉक्स को ले लेता हूँ टॉप व्यू में जाकर, ठीक है। तो ये देखिए, यह है साइड टेबल का यहाँ पे बना हुआ है। तो एक यहाँ से एक बॉक्स को बना लेते हैं, टैप ऑफ करते हैं, पर्सपेक्टिव में आकर ये देखिए बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ से जो साइड टेबल का हाइट रहेगा, यहाँ पर 1.5 फीट का यहाँ पर हाइट कर देते हैं, और जो इसका थिकनेस रहेगा, विड्थ तो यहाँ पर 2 ही फिट रहेगा, ठीक है, और इसका हाइट भी सेम ही है, और इसका जो थिकनेस है डेप्थ, ठीक है, सॉरी ये डेप्थ जिस ये रहेगा, डेप्थ को भी 1.5 फिट कर देते हैं। तो 1.5 फिट बोले तो 450 mm, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। इस तरह से एक बॉक्स को बना लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसमें ये देखिए ये लूअर्स पैनल यहाँ पे लगा हुआ है ये ड्रावर में। तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ से एक ऊपर की तरफ इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका थिकनेस है हाइट में है, ठीक है, तो इसका थिकनेस 18 mm रखते हैं, जो प्लाई का थिकनेस रहता है, तो 18 mm कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम टॉप व्यू में जाते हैं, टॉप व्यू में आ गए हैं, ठीक है, और एक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो एक बीच से यहाँ पर एजेस को शो कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर विड्थ का सेगमेंट है, ये लेंथ का है, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको जाकर मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो ग्रूव रहेगा बीच में, इसको यहाँ से पहले सेट कर लेते हैं, लेंथ लेंथ में है, तो जो ग्रूव रहेगा यहाँ पर 2 mm या 3 mm रख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 mm रखते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए। अब क्या करना है, जितना ये साइज दिया है, अब यहाँ से एक जो है बॉक्स को बना लीजिए, ठीक है, डब्लू प्रेस करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो है इसको हटा दीजिए, कोई काम नहीं, बस एक बॉक्स को आप बना लीजिए इस तरह से, ठीक है, और इसका जो साइज, सॉरी, इसका साइज जो है डेप्थ में ये 18 mm का कर देते हैं, ठीक है, 18 mm का ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ये फ्रंट व्यू में मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अब देखिए जो लूवर्स पैनल यहाँ पे लगा हुआ है ड्रावर में, तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ से एक रेक्टेंगल को बनाइए, ठीक है। तो इसको जो है आप फ्रंट व्यू में, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, ये मैं टॉप व्यू में इस तरह से काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको सीधा करना चाह रहा हूँ तो इसको सीधा भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या करें, इसमें ही बनाते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से रेक्टेंगल को लेना है, तो रेक्टेंगल ले लेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रीटो में जाकर यहाँ पर शेप में जाएंगे, ठीक है, शेप में जाएंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल को ले लेते हैं। तो रेक्टेंगल का साइज जो रहेगा यहाँ पर, रेक्टेंगल का साइज जो रहेगा यहाँ पर 20 mm का ले लेते हैं, ठीक है, 20x20 का यहाँ पर एक रेक्टेंगल को बना लेंगे, ठीक है, यहाँ से 20 mm का इस तरह से एक रेक्टेंगल को आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ से जो लूअर्स पैनल है यहाँ पे घुमा हुआ है, देखिए, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फ्लिट है। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा SP लाइन में, तो SP लाइन में यहाँ पे इसको कन्वर्ट करिए। अब यहाँ पे आपको मिलेगा वर्टेक्स, ठीक है, तो वर्टेक्स पे आपको क्लिक करना है,
वर्टेक्स पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोनों इस ऊपरी वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट करिए और नीचे आ जाइए और यहाँ से आपको मिलेगा फ्लिट का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको फ्लिट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से जो है इस तरह से फ्लिट कर लें, ठीक है, और W प्रेस कर दीजिए। ये देखिए एक लूअर्स पैनल का जो मॉडल है यहाँ पर बन गया। अब क्या करना है, ये तो बस लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल ये बना हुआ है, ठीक है, लाइन दिख रहा है। अब इसको सॉलिड करना है तो यहाँ पर मॉडिफाई लिस्ट में जाकर एक्सट्रूड को सर्च करेंगे। अब ये जो एक्सट्रूड हो जाएगा और इसका जो थिकनेस रहेगा इस तरह से पहले सेट करेंगे यहाँ पर जाकर, और इसको जो है इस तरह से आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो इसको कम करेंगे, ठीक है, या आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ से एजेस को इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पर जाकर सेट करें, ठीक है। अब बस एक आप बना लीजिए मॉडल को। अब क्या करना है, इसको आकर कॉपी करना है। कॉपी करेंगे, स्नैप ऑन करेंगे और यहाँ से पहले ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे और यहाँ पर जाकर छोड़ेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी पूछेगा तो कितना कॉपी करना है, यहाँ पर नंबर डालेंगे तो यहाँ पे नंबर जो है 36 कर देते हैं। ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं तो एक्स्ट्रा बन गया है, तो इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये एक बन गया। अब इसी को जो है ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, और ये जो 18 mm का है तो इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए थिकनेस, तो इसको कम कर देते हैं, ठीक है, और फ्रंट व्यू में जाकर इसको सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको ग्रुप करा लेना है, यहाँ से ग्रुप कर देंगे, ग्रुप का नाम दे देते हैं, ठीक है, जो भी नाम दे देंगे। ये देखिए बन गया। अब क्या करना है, एक बना लेना है और यहाँ से इसको कॉपी करना है। उससे पहले यहाँ पर जो हैंडल है इसका ट्रावर का हैंडल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हैंडल बना हुआ है, इस हैंडल को बनाना है तो हैंडल यहाँ से बना लेते हैं। हैंडल बनाने के लिए यहाँ से आप एक यहाँ से SP लाइन में जाइए और यहाँ से आपको मिलेगा सर्कल, तो सर्कल एक ले लेते हैं, यहाँ से एक सर्कल को बनाएंगे तरह से, ठीक है। और देखिए जो ये शॉप दिख रहा है, ठीक है, तो इसको स्मूथ करना है तो स्मूथ कर लीजिए यहाँ से, ये यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ पे इंटरपोलेशन, तो यहाँ से इसको क्लिक कर लेना है और यहाँ से ये देखिए स्टेप्स है तो स्टेप्स को आपको यहाँ पर बढ़ा देना है। स्टेप को जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपका जो सर्कल रहेगा यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेडियस आप कितना रखना चाह रहे हैं यहाँ से आप इसको डिसाइड करके रख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ से इसको कर लेते हैं 12 mm का, ठीक है, ये हो गया। ठीक, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, एक को यहाँ पे सॉलिड करेंगे तो एक्सट्रूड कमांड लेते हैं, मॉडिफाई लिस्ट में जाकर एक्सट्रूड सर्च करेंगे और ये जो रहेगा यहाँ से 2 mm या 3 mm का ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 mm का कर देते हैं, ठीक है, 6 mm का कर देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह एक बना लेना है। अब यहाँ पर एक जो रहेगा छोटा सा, तो छोटा सा जो रहेगा यहाँ पे इसी को रेडियस को कम कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और इस रेडियस को कम करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एक्सट्रूड कर देंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाएंगे और जो इसका अमाउंट है अमाउंट यहाँ से कर देते हैं 12 या यहाँ से 35 कर देते हैं,
और इसको जो है यहाँ पर जाकर सेट कर देंगे इस तरह, ठीक है। ये देखिए ये ज्यादा हो गया, तो इसको जो है आपको कम रख सकते हैं। अब यहां से आप इसको सेट कर सकते हैं जिस तरह से आप रखना, सॉरी ठीक है। और यहां से इसको ग्रुप कर लेते हैं, हैंडल को जस्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए बन गया, एक बना लेना है और इसी को उठाकर कॉपी कर देना है। यहां से इसको कॉपी कर देते हैं नीचे की तरफ और स्नैप ऑन करेंगे और यहां से जाकर इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। हल्का सा इसको इस तरह से रखते हैं, ग्रुप दिख रहा है। अब नीचे का यहाँ पर इसका पोर्शन ये बनाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसका सपोर्टर यहाँ पे बनाना है नीचे का, तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ से आप फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, फ्रंट व्यू में आकर यहाँ पे एसपी लाइन में आएंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल को बनाएंगे। तो जो है यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, डब्ल्यू प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंथ है तो लेंथ को यहाँ से रख देते हैं 6 इंचेस का, तो बोले तो यहाँ पर 150 mm, ठीक है। और यहाँ से ये विड्थ है तो विड्थ को यहाँ पर रख लेते हैं 100 mm का, 4 इंच का, ठीक है। स्नैप ऑन करेंगे और यहाँ से इसको जाकर सेट करेंगे, तो इसको भी 100 mm कर लेते हैं तरह से, ठीक है। जिस तरह से आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं वहां से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कुछ यहाँ पे कर्व है, तो ये इस तरह से बनाना है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे राउंड है, तो ये जो एजेस दिख रहा है यहाँ पे स्प्लिट है, यहाँ से राउंड है और नीचे का यहाँ से ये तिरछा गया है, यहाँ पे राउंड है। तो उसको जो है आपको पहले एसपी लाइन में कन्वर्ट कर लेना है, तो राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू एसपी लाइन, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू एसपी लाइन, यहाँ पे वर्टेक्स मिलेगा तो क्लिक करेंगे, अब यहां पर भी मुड़ा हुआ है तो इसको भी इस तरह से क्लिक कर लेना है, ठीक है। पहले यहां पर इसको जो है इस तरह से करेंगे और अब ये जो है, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब इसको जो है सॉलिड करना है लाइन को, तो सॉलिड करने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा रेंडरिंग का ऑप्शन, रेंडरिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो रेंडरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, तो आपको दोनों ऑप्शन पे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, एनेबल इन रेंडर पे, एनेबल इन व्यू पोर्ट पे, ठीक है। तो इस दोनों ऑप्शन पे यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन था ये सॉलिड हो गया है। अब ये जो रेडियल है, ठीक है, तो ये रेडियल पे ही रहेगा क्योंकि ये गोल है। और इसका जो थिकनेस है यहाँ से रख लेते हैं, अब जो है ये इसको सेट करना है तो इसको सेट कर लेते हैं। फ्रंट व्यू में जाएंगे, ठीक है, और ये देखिए ये जो है यहाँ पर हल्का सा रोटेट है, तो यहाँ से रोटेट कर लेते हैं। ये फ्रंट व्यू में मैं आकर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ई प्रेस करेंगे और इसको रोटेशन देंगे तरह से 40 डिग्री पे, और यहाँ पर जो ये रोटेशन है देख लेते हैं,
तरह से रोटेट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, एक को बनाइए आप, और इसको जो चारों बनाना है तो आप एक को बनाकर यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर इसका इसको मिरर करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ बनाने के लिए आपको मिरर कमांड पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और जो है यहाँ पे कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करिए, और ये देखिए कॉपी हो गया, ओके बटन पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर इसको सेट कर, ठीक है, तरह से आप बना लेंगे। अब दूसरे यहाँ दूसरा बनाना है तो यहाँ पर मिरर कमांड लीजिए, अब इसको भी कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है बन चुका। अब क्या करिए, इसको सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर सकते हैं, तो ग्रुप के ऑप्शन में जाके यहाँ से जो है ग्रुप कर देंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं, ई प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको रोटेशन दे देंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए वार्डरोब जो है बन गया। अब जो है इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर रूम में, ई प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको रोटेशन देंगे, और इसको जो है इस तरह से सेट कर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है वार्डरोब साइड टेबल यहाँ पर सेट हो गया, डिग्री पे यहाँ पे रोटेट कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको ये रूम में सेट कर देते हैं, की प्रेस करेंगे और यहाँ से दोबारा इस तरह से सेट करेंगे, स्नैप ऑफ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो सेट कर, और यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाकर आप यहाँ से इसको जो है फ्रंट व्यू इसका सेट करिए, जो फर्स्ट पैनल और यहाँ पे बाकी सब जो है, और इसको अपर फ्लोर पे नीचे आ गया है, तो ठीक है सेट हो गया। वो देखिए यहाँ पर वार्डरोब और टीवी यूनिट का पोर्शन यहाँ पे लग गया है, और यहाँ ये देखिए टूट गया है, तो इसको जो है रोटेट कर लेते, फ्रंट व्यू में जाकर जो है उसको सेट करेंगे, मैप ऑन करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे टीवी यूनिट और ये पूरा ये बन गया, और ये जो है ये देखिए साइड टेबल भी बन गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।